नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर करीब 24 घंटे बंद रहने के बाद अंतरराज्यीय व्यापार के लिए ट्रकों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दी गई है। 19 सितंबर को ममता ने दामोदर घाटी निगम पर बाढ़ के आरोप लगाने के बाद इसे 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया था, जिसके कारण NH2 और NH6 पर ट्रकों की 20 से 25 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। ममता के आदेश के बाद राज्यपाल CV आनंद बोस ने स्पष्टीकरण मांगा था। इससे पहले बोस ने CM ममता को लेटर लिखकर सलाह दी थी कि वे अपनी ड्यूटी करें, DVC को बाढ़ के लिए दोषी ना ठहराएं। बोस ने यह भी कहा था कि बांकुरा, बीरभूम, मेदिनीपुर, दामोदर घाटी में नहीं आते हैं, वहाँ बाढ़ का कारण कंसाबती, शिलावती और द्वारकेश्वर नदी इलाके में हुई भारी बारिश है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दामोदर घाटी निगम के तहत आने वाले बांधों से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल में बाढ़ आई है। ममता ने कहा, मानव निर्मित बाढ़ से राज्य के 50 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, अगर लापरवाही जारी रही तो राज्य निगम के साथ सभी संबंध तोड़ देगा। ये मानव निर्मित बाढ़ है जो 2009 के बाद से दामोदर नदी में आई सबसे भयानक बाढ़ है। ममता के आरोपों के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 19 सितंबर को ही मुख्यमंत्री ममता को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़े जाने के बारे में अधिकारियों को हर लेवल पर बताया गया था। यह किसी बड़ी आपदा को रोकने के लिए जरूरी था। फ्लड मैनेजमेंट के लिए फंड का प्रपोजल भी आगे बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।